राष्ट्रपति श्रीमंत रघुनाथ राव जी पधार रहे हैं। आप यहीं बैठिए और आप वहां उस तरफ। लेकिन श्रीमंत, बैठिए। आप जानते हैं आपको हमने वहां क्यों बिठाया। आप सूबेदार नहीं हैं, ये बात बताने और याद रखने के लिए। आपने राजपुताना से चौथ वसूल की। जी हां श्रीमंत। उसके बाद आप टोके में अपना लश्कर लाए थे। जी नहीं श्रीमंत। झूठ बोलते हैं आप। नहीं श्रीमंत, जब पेशवा जी के खुफिया आदेश का पालन किया जाता है तो उसके बारे में किसी को नहीं बताया जाता। और आप मल्हार राव, आपने भी इनके साथ चौथ वसूल की थी, किसकी इजाजत से? अपने फर्ज की इजाजत से श्रीमंत। पेशवा खजाने के लिए चौथ वसूल करना कोई जुर्म नहीं। होलकर महाराज सही कहते हैं, बिना हुक्म कोई भी काम करना जुर्म है। जुर्म तब होता जब हम चौथ खुद रख लेते, लेकिन हमारी चौथ तो श्रीमंत ने रख ली। हमने जब्त की थी। हमने तो खजाने में जमा करने के लिए भेजी थी। अगर श्रीमंत ने जमा नहीं की, जब्त कर ली, तो क्या इसे हमारा दोष माना जाएगा? श्रीमंत के साथ जबान दराजी मत करो। श्रीमंत की बात का जवाब देना जबान दराजी नहीं है। हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, पर हमें आप पर भरोसा नहीं है। हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे। मगर हम श्रीमंत पेशवा जी पर विश्वास करते हैं, इसीलिए यहां आए हैं। और अगर श्रीमंत चाहे तो हमें वापस भेज सकते हैं। आप हमारी निगरानी में रहेंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है श्रीमंत। यहां जो भी बैठे हैं सब आपकी निगरानी में हैं। उच्च सेनापति तो होता ही इसीलिए है। श्रीमंत, हमें आदेश दें कि हमें करना क्या है। जब राजपुताना पहुंचेंगे तब हम आदेश देंगे। आज के लिए बस। दरबार बर्खास्त। शाबाश महादेव, जी खुश कर दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया रघुनाथ राव को। काका साहब, पेशवा परिवार के लिए मेरी इज्जत और उच्च सेनापति के लिए मेरी आस्था है, वरना मेरे पास वो लफ्ज है जो मेरी तलवार की धार से कम नहीं।